हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इजी एंड क्विक मटन करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इजी मटन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 बड़े प्याज लिए हैं, 2 बड़े आलू जिसे मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची लिया है और एक बड़ा लहसुन और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, 1 तेज पत्ता, कुछ खड़े गरम मसाले, 1 हम प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। ड्राई मसालों में मैंने जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। और थोड़ा सरसों का तेल मिक्स करेंगे और मटन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो चलिए अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और फिर इसे अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम आलू फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करते टाइम 1 पिंच के करीब हल्दी और नमक डालेंगे और आलू को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के बाद हम पैन में तेज पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, फिर उन्हें कुछ सेकंड तक भूनेंगे, फिर हम बाकी के कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। अब हम मैरिनेटेड मटन डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ढक देंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटन ने बहुत सारा पानी रिलीज किया है, हमें सारे पानी को ड्राई होने तक अच्छे से भून लेना है। पानी थोड़ा ड्राई होने के बाद हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे और फिर थोड़ी देर आलू और मटन को साथ में कुक करेंगे। मटन अच्छे से फ्राई होने के बाद हम मटन में गर्म पानी ऐड करेंगे और फिर इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। मटन बनके तैयार है गाइस। अब हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे। इस क्विक मटन करी को हम राइस और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी क्विक मटन करी की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।